जी रोड खुली हुई है जी खन्ना पुल। Turn right toward Faisal Avenue, Islamabad Expressway, then continue straight. Then continue straight. खन्ना पुल से मुड़ रहे हैं जी हम। हम 26 नंबर पिशावर मोड़ से आए हैं। हाँ ये है जी आपकी एक्सप्रेस हाईवे। Continue straight, then slide left onto Faisal Avenue. खन्ना पुल से जी हम थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाएंगे। Continue on Faisal Avenue for 8 kilometers. उल्टी साइड पे गाड़ियां उल्टी साइड पे जा रही हैं। एयरपोर्ट चौक का हाल देखते हैं जी। एयरपोर्ट चौक कैसा है? ये रॉन्ग वे गाड़ियां जा रही हैं। बारह बज के 34 मिनट हो गए हैं। वहां से जाने वाली ट्रैफिक सारी खुली हुई है। गुलबर्ग ग्रीन नो रुकावट। सिर्फ 3 मिनटों में खन्ना पुल से गुलबर्ग ग्रीन तक। अच्छा जाते हुए गए थे काकपुल कौटा रोड सवां पे रोड ट्रैफिक ब्लॉक थी, मतलब रोड बंद थी। वहाँ से यू टर्न लिया बैरिया, फिर सैमन, फिर डिफेंस, फिर शिफा से सदर, सदर से कायनात ट्रैवल। कायनात ट्रैवल काफ़ी देर रुके थे 40 मिनट। वहाँ से फिर अंदर गलियों के अंदर से होते हुए I-14 से गोलरा मोड़ से सीधा श्रीनगर हाईवे से 26 नंबर से वहाँ पे सिग्नल आए हैं। सिग्नल पूछा तो मेहमानों ने बताया कि हम तो घर पहुंच गए हैं, फिर वहां से वापस आए हैं। तो वापसी का रास्ता बहुत अच्छा है, सीधा श्रीनगर हाईवे से श्रीना होटल से रावल चौक, वहां से
वो जो भी रोड आ रही होती है, खन्ना पुल से अभी आपके सामने। ये कंडीशन है जी इस्लामाबाद की, आज 16 नवंबर है। अभी हम सेफली घर पहुंच ही रहेंगे। ये आ गया जी रेलवे लाइन का पुल, कोई रोड पे ना बंदा ना बंदा की बात, बंदे तो बहुत हैं लेकिन गाड़ियां बहुत कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, हैवी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, सब रोका हुआ है। ये रोड खुली कर रहे हैं जी, काफी तेजी से काम जा रही है इस पर। सिर्फ 6 मिनटों में हम खन्ना पुल से यहाँ तक पहुँच आए, 10 किलोमीटर का सफ़र है। आम दिनों में ये 20 मिनट लगते हैं, यही मंडे की मॉर्निंग हो और हैवी ट्रैफिक हो तो 20 मिनट लग जाते हैं। आज नेवल एंकरेज से हम उड़ने लगे हैं, जिथे दी खोती उथे आ खोती। In 600 meters, turn left. बारह बज के 40 मिनट हुए। अच्छा जी, ये था जी आज पूरे इस्लामाबाद का एक चक्कर। ये हम घर पहुँच गए इसी के साथ जी। अल्लाह हाफिज़, फिर कभी मिलेंगे। Take the next left.